Assalamu alaikum, namaste. I am Chandra Kumar. I am going to deliver lecture about past possessive tense. Previously, we have covered present possessive tense. We have auxiliary verb have and has, in which we have learned present possessive tense. So today we will discuss past possessive tense in very easy and simple way. What's past possessive tense? It shows a position, it shows ownership in past, also in its past possessive tense. वो जो टेंस वो एक मतलब सेंटेंस जिसमें पोजीशन जो ओनरशिप शो कर रहा है वो कहे किस टाइम वो पास्ट टाइम में ओनरशिप थी उसको हम पास्ट पॉजिटिव टेंस कहते हैं. जैसे कि मेरे पास गाड़ी थी, असलम के पास अच्छी गाड़ी थी, असलम के पास बंगलोज था, विनोद के पास बुक्स थे, हमारे यहाँ सब कुछ था. कब? अभी नहीं, प्रीवियस. हम ही उसी चीज़ें के हम मालकान थे. हमारे वज़ीर आज़म अभी जो करंट वज़ीर आज़म उसके साथ कुछ गाड़ियाँ थी, उसके पास एक नया बंगलोस था. आप इसको भी इंटरोगेटिव इसको भी ट्रांसलेट कैसे कर सकते हैं? तो हम इसके लिए जो वेरी सिंपल उर्दू वाला सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और डिस्कस भी करेंगे. जैसे हमने प्रीवियसली पढ़ लिया था कि कोई भी सेंटेंस होता है उसके लिए पहले हमको क्या करना है, जस्ट पहले उसको अंडरस्टैंड करना है कि जैसे कि ये सेंटेंस किस टेंस से रिलेटेड करता है, हम उसको कैसे तरीके से उसकी स्ट्रक्चर होती है. जैसे सब्जेक्ट ऑक्सिल वर्ब उसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, उसके बाद क्या है ऑब्जेक्ट, बाद एक्सटेंड सेंटेंस जो हमें दिया जाता है. हर टेंस की अपना ऑक्सिल वर्ब उसके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग यूज होता है. तो उसके लिए हम आज स्टार्ट करेंगे. आज हमारी ऑक्सिल वर्ब ओनली हैड हैव और वे हैव पास्ट में चेंज हो जाता है हैड में. ये आपको याद रखना है. अगर पास्ट टू बी टेंस है, पास्ट कोई भी टेंस है, पास्ट हम ये पढ़ें पास्ट पॉजिटिव टेंस है, इसमें कोई भी पास्ट पॉजिटिव टेंस के बारे में बात करें तो उसमें कोई सिंगुलर प्लूरल का कॉन्सेप्ट नहीं है. देयर इज नो एनी कॉन्सेप्ट ऑफ इधर सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट, इसमें कोई सी कॉन्सेप्ट नहीं, क्योंकि ऑक्सिल वर्ब एक है. कौन सा? हैड. हम स्टार्ट करेंगे सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिल वर्ब, यही हैड ओनली है. हैव चेंज हो जाएगा हैड में. ये पास्ट में हम हैव को यूज करते हैं एज अ हैड फॉर्म. उसके बाद क्या ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बाद क्या एक्सटेंड सेंटेंस. मेरे पास पैसा था, मेरे पास पैसे थे. कब? अभी नहीं, पास्ट में. उन्हीं के पास बकरियां और भेड़ थी. अब नहीं, पास्ट के बारे में बात की जा रही है. जैसे कि असलम जो हमारे पड़ोसरी था वो अब नहीं, दो साल या 3 साल या 10 साल के बाद उसके पास अच्छी अच्छी बकरियां थी, उसके पास बंगलोस था, उसके पास सब कुछ था. अभी नहीं है उसके पास. हम बात करें इमरान खान, उसके पास भी बड़ी बड़ी गाड़ियां पहले नहीं थी, अब हैं. कब? अब तो वज़ीर आज़म ज़ाहिर से बात है उसके पास क्या है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं. अगर हम बात करें इसको पज़ल में, उसको उसके साथ बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं थी. कब? 2 साल पहले, 3 साल पहले उसके पास इतनी गाड़ियां नहीं थी, इतनी प्रॉपर्टीज नहीं थी, जबकि आज है. मुझे ये क्या है? पास्ट पजेसिव टेंस है. पजेसिव मीन्स मालकान है, किसी भी चीज़ के मालकान ही, जहाँ से ओनरशिप को शो करता है वो पास्ट पजेसिव टेंस है. इसका ऑक्सिल वर्ब हैज है. मेरे पास पैसे थे. कब? अब नहीं, पास्ट में. तो हमें सब्जेक्ट क्या पुट करना, पहले देखना है सब्जेक्ट. मेरे को इंग्लिश में कहते हैं आई, यहाँ से आपको आई लिखना है. आई लिख लिया, उसके बाद देखना है अगर पास्ट थी. कब? अब नहीं, 2 साल पहले अब नहीं, 3 मिनट पहले अब नहीं, 4 दिन पहले अब नहीं, कुछ दिन पहले अभी नहीं, कुछ दिन पहले मेरे पास कुछ तक कुछ पैसे थे. तो ये क्या पास्ट पॉजिटिव टेंस है. इसके लिए हम ऑक्सिल वर्ब कौन सा इस्तेमाल करेंगे? हैड इस्तेमाल करेंगे. यहाँ से हमें क्या पुट करना है? ऑक्सिल वर्ब हैड पुट कर लेना है. हैड पुट करने के बाद आपको क्या ऑब्जेक्ट लगाना है. ऑब्जेक्ट क्या है? ये पैसा. पैसा क्या? इट्स ऑब्जेक्ट. पैसे को इंग्लिश में कहते हैं मनी. आई हैड मनी, मेरे पास पैसे थे. आई हैड मार्कर, मेरे पास मार्कर भी थे. आई हैड बेंगलोस, मेरे पास बेंगलोस भी थे. मेरे पास कुछ नहीं थी. आई हैड नो बेंगलोस, मेरे पास बेंगलोस भी नहीं थे. आई हैड नो मनी, मेरे पास पैसे भी नहीं थे. आई हैड नो एनी बुक्स, मेरे पास कोई बुक्स नहीं था. ये क्या है? पास्ट पजेसिव टेंस है. कौन सा? पास्ट पजेसिव टेंस.
अगर सैम को निगेटिव बनाने के लिए क्या आपको ये ऑक्सिलरी वर्ब है इसके बाद आपको क्या नॉट लगाना है। जब ऑक्सिलरी वर्ब है उसके बाद आप नॉट लगाएंगे वो सेंटेंस क्या बन जाएगा, वो निगेटिव बन जाएगा। आई हैड नॉट मनी मीन्स मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे पास क्या पैसे नहीं थे, मेरे पास मार्कर भी नहीं था, कल मेरे पास मार्कर नहीं था। तो इसको हमें ट्रांस कैसे ट्रांसलेट, आई सब्जेक्ट कर दो, हैड नो मार्कर, आई हैड नॉट मार्कर यस्टरडे, क्या मेरे पास पैसे थे, ये ऑक्सिलरी वर्ब है इसको बाहर निकाल दो, सब्जेक्ट के स्टार्ट में लगा दो, ये क्या इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। हैड आई मनी, मेरे पास क्या पैसे थे, क्या मेरे पास पैसे नहीं थे, तो क्या सब्जेक्ट के बाद आपको क्या करना है, नॉट लगाना है, ये बन जाएगा इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। हैड आई नॉट मनी, क्या मेरे पास पैसे नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे, क्योंकि मेरा जेब था वो क्या खाली था, तो हम उसमें कह सकते हैं क्या मेरे पास पैसे नहीं थे, किसी से इंटरोगेटिव नेगेटिव बना सकते हैं। तो हैड आई नॉट मनी, उन्हीं के पास बकरियां और भेड़ थी, उन्हीं के पास। हेयर दिस इज सब्जेक्ट, वी नीड टू राइट डाउन हेयर सब्जेक्ट, हमें क्या करना चाहिए, ये सब्जेक्ट उन्हें इसको इंग्लिश में कहते हैं दे। अगर हम पढ़ें पास्ट पजल टेंस तो हमें ऑक्सिलरी वर्ब क्या पुट करना है, हैड पुट करना है। दे हैड क्या बकरियां, गोट्स एंड शीप, उसके पास बकरियां और शीप थी। अगर सेम सेंटेंस को हम प्रेजेंट में कहना चाहते हैं, अगर उसके पास बकरियां भी हैं और भेड़ भी हैं, तो क्या हम ये ऑक्सिलरी वर्ब चेंज हो जाएगा, जैसे कि हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर वो आपने नहीं वीडियोस देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, वो वेरी हेल्पफुल होगा वीडियोस। वो वीडियोस हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में, यूट्यूब चैनल के वीडियोस नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिएगा, ज़रूर वहाँ से मिल जाएगा, आप वो ज़रूर देख लीजिएगा। तो अगर प्रेजेंट में बनाना चाहते हैं तो ऑक्सिलरी हैड को है में कन्वर्ट कर दो, ये प्रेजेंट बन जाएगा, यहाँ से हैड है, ये क्या पास्ट पजल टेंस है। दे हैड गोट्स एंड शीप, उसके पास क्या थे, गोट्स भी था शीप भी थे। क्या उसके पास गोट्स शीप नहीं थे, दे हैड, ये हैड है, इसके बाद क्या लगाना है, नॉट लगाना है, नेगेटिव बन जाएगा। दे हैड नॉट गोट्स एंड शीप, दे हैड नो गोट्स एंड शीप, बिल्कुल करेक्ट है, ये क्या है नेगेटिव है। अगर सेमी इस क्वेश्चन इंटरवर्ड बनाने के लिए आपको सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब है इसको बाहर निकालना पड़ता है, कोई भी सेंटेंस है अगर पास्ट पजेसिव हम पढ़ रहे हैं उसमें ऑक्सिलरी वर्ब जो दिया गया है उसको हम सब्जेक्ट जो सेंटेंस के बीच में होता है उसको निकाल कर सब्जेक्ट के स्टार्ट में लगा देते हैं, वो क्या इंटरोगेटिव बन जाता है। हैड देम गोट्स एंड शीप, क्या उसके पास बकरियां और शीप थी। विनोद के पास एक अच्छा इंटरनेशनल डांस न्यूज थी, विनोद के पास। आई हैड दिस सब्जेक्ट, वी नीड टू राइट हेयर सब्जेक्ट। दे हैड क्या थी, एन इंटरनेशनल डॉन, उसके पास एक इंटरनेशनल डॉन थी, क्या एक इंटरनेशनल डॉन थी, तो हम क्या लगाएंगे, एन इंटरनेशनल। दिस इज आर्टिकल, दैट्स व्हाई वी वावल वी यूज एन, दिस इज वावल। विनोद हैड नो नॉट एन इंटरनेशनल डॉन, इफ वी टॉक अबाउट ही हैड नो एनीथिंग एल्स रिगार्डिंग टू दिस पेपर, सो वी कैन से दैट नो दिस इज ऑक्सिलरी वर्ब, व्हाट दिस इज ऑक्सिलरी वर्ब, ये क्या है, ये ऑक्सिलरी वर्ब है, इसके बाद हमें क्या करना है, सिर्फ नॉट लगाएंगे, जैसे ही नॉट लगाएंगे तो ये क्या नेगेटिव बन जाएगा। विनोद के पास डॉन न्यूज नहीं थी, क्योंकि कल डॉन न्यूज खत्म हो गई थी, वो गया उधर डॉन न्यूज नहीं मिली, तो हम कैसा कह सकते हैं कि विनोद है या चंद्र के पास कल डॉन न्यूज नहीं थी, चंद्र के पास कल डॉन नहीं थी, चंद्र के पास कल लैपटॉप था, हमारे पास सब कुछ थे, हमारे पास गेस्ट थे, इसी को कैसे, ये क्या पास्ट पॉजिटिव टेंस है। I had a guest, they had guest, we had a lot of things, we had a lot of friends, हमारे पास बहुत ज़्यादा friends थे। इसको past passive sentence को simple subject, उसके बाद auxiliary verb, उसके बाद object के ज़रिए आप interrogative बना सकते हैं। जैसे कि मेरे पास था, I had, क्या था, I had something else, I had friend, I had a friend, I had friends, मेरे पास दोस्त थे ज़्यादा। हम आगे बढ़ेंगे, हमारे यहाँ दूसरा सेंटेंस इमरान खान और शेख रशीद के बारे में बात की जा रही है। अभी तो वो वजीर आजम है, हम बात करें पास्ट में, तो उसके पास गाड़ियाँ थी इतनी नहीं थी, एक कम तादाद में गाड़ियाँ थी। ये भी क्या है, वो अभी पास्ट में जो मालकान थे लेकिन उसके पास कम मिल्कियत थी। अभी तो कंट्री के वजीर आजम हैं जो शेख रशीद है, वो क्या रेलवे मिनिस्टर है। अगर ये जो कि एक ट्रिकी सेंटेंस है, अगर
हम देख लेते हैं, क्योंकि वो तो पॉलिटिकल है, उसके पास सब कुछ था। उसके बावजूद भी हम ऐसा कह सकते हैं कि इमरान खान और शेख रशीद थे पास्ट में, उसके पास कुछ था क्या, गाड़ियाँ भी थी, बंगलोज था, उसके पास वर्कर्स भी थे, उसके पास सब कुछ था, वो क्या ये ओनरशिप को शो कर रहा है, क्योंकि वो उसी चीज़ के क्या मालकान थे, वो वही चीज़ उसके अंडर में थी, हम इसको ओनरशिप के लिए शो करते हैं। तो जैसे कि इमरान खान एंड शेख रशीद कितने सब्जेक्ट दो, तो हम यहाँ से सिंगुलर पिलर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो हम सब्जेक्ट को जैसे अंडरस्टैंड कर लिया है कि पास्ट पढ़ने हैं इमरान एंड शेख रशीद लिख लिया, इमरान खान और शेख रशीद क्या थी, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ थी, हेड बिगर एंड बिगर वैकल्स, उसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ थी। अगर इमरान खान और शेख रशीद पास एक कम तादाद में एक बड़ी बड़ी गाड़ियाँ थी, तो हम अ लिटल कह सकते हैं, अ लेस नंबर आप व्हीकल्स कह सकते हैं उसके पास, क्योंकि वो अभी जो प्रीवियस हम बात कर रहे हैं 2-3 साल से पहले, वो एक आम से वर्कर्स थे, अभी तो वजीर आज़म बन गए हैं। ये क्या है, ओनरशिप शो करा, ये क्या है, इट शोज ओनरशिप, क्या शो करता है, क्या शो करता है, ओनरशिप शो करता है। तो हम इट्स शोज ओनरशिप, इमरान खान और शेख रशीद के पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ नहीं थी। अगर इस सेम सेंटेंस को इंटरगेटिव कैसे बना सकते हैं, अगर आप कहीं जाते हो, आपसे कोई फ्रेंड मिलता है तो क्वेश्चन करता है कि इमरान खान और शेख रशीद के पास जो हम बात करें 2 साल पहले बड़ी बड़ी गाड़ियाँ नहीं थी, अभी वो पावर में आकर उसके पास सब कुछ हो गया है, पहले उसके पास नहीं थी, तो इस सेंटेंस को कैसे इंटरगेटिव सॉरी नेगेटिव कर सकते हैं, नेगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं, ट्रांसलेट मीन्स तर्जमा कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, ऑक्सिलरी वर्ब होता है हेड, उसके बाद आपको नॉट लगाना है। जैसे इमरान खान और शेख रशीद लिखना है, इमरान खान एंड शेख रशीद हेड, ये क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब, दिस इज ऑक्सिलरी वर्ब एज ए हेल्पिंग वर्ब, नॉट बिगर एंड बिगर व्हीकल, उसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी नहीं थी, उसके पास क्या, क्योंकि बड़ी बड़ी गाड़ी वो एक आम वर्कर थे। क्या इमरान खान और शेख रशीद के पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ थी, हम अगर बात करें, ये तो सेंटेंस सिंपल, हम बात करें इमरान खान और शेख रशीद के पास इंटरग्रेटेड सेंटेंस कैसे बना सकते हैं, तो क्या ऑक्सिलरी वर्ब जो हेड है, ऑक्सिलरी वर्ब जो भी टेंस में दिया जाता है, इसी टेंस में हम पढ़ रहे हैं, क्या है ऑक्सिलरी वर्ब हेड है, वो उसको निकाल कर सब्जेक्ट के स्टार्ट में लगाएंगे, वो क्या सेंटेंस बन जाएगा, इंटरग्रेटेड सेंटेंस। हेड इमरान एंड शेख रशीद बिगर एंड बिगर व्हीकल्स, इमरान खान और शेख रशीद के पास क्या क्या बड़ी बड़ी गाड़ियाँ थी पास्ट के बाद। चंदर के पास एक अच्छा लैपटॉप और मोबाइल था, कब, अब नहीं, अब तो उसके पास है नहीं, क्योंकि उसने बेच दिया है, अब तो इसके पास है नहीं। हम बात करें पास्ट में 2 साल 1 मिनट 5 मिनट पहले चंदर के पास मोबाइल और लैपटॉप था, तो हम इसको कैसे इंटरोगेटिव सेंटेंस सॉरी ट्रांसलेट कैसे कर सकते हैं, कैसे कह सकते हैं, मेरे पास मोबाइल भी था, मेरे पास गाड़ी भी थी, मेरे पास बंगलोज भी था, हम इसको कैसे ट्रांसलेट कैसे इसको उर्दू वाले सेंटेंस में इंग्लिश में कह सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद क्या ऑब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब लिखना, ऑब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब जो भी होता हैड है वो होता है जो भी टेंस की रिकॉर्डिंग, उसके बाद आपको क्या ऑब्जेक्ट लगाना, ऑब्जेक्ट बाय एक्सटेंस सेंटेंस जो दिया गया है वो आपको लगा कर आप सेंटेंस बना सकते हैं। तो चंद्र कुमार ये एक सब्जेक्ट है, फिर भी मैं बता देता हूँ कि अगर आप सेंटेंस को पहले कहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो द सब्जेक्ट, क्या ये एक सब्जेक्ट है, लैपटॉप था, ये क्या एक ऑब्जेक्ट है, लैपटॉप था जैसे कि चंद्र के पास अच्छा एक लैपटॉप था, ये क्या ऑब्जेक्ट है, ये इसमें कोई एक्शन नहीं है, तो ये क्या पास्ट प्रेजेंट टेंस है, हमें लिखना है चंद्र कुमार, चंद्र लिख लिया तो उसके बाद क्या है लिखना है, पास्ट है तो हम क्या लगाएंगे ऑक्सिलरी वर्ब उसके तहत लगाएंगे हेड, लगाएंगे हेड अ गुड लैपटॉप एंड मोबाइल, चंद्र के पास एक अच्छा लैपटॉप और मोबाइल भी था। अब नहीं पास्ट के बारे में बात की जा रही था, अगर चंद्र के पास अच्छा लैपटॉप मोबाइल नहीं था तो क्या ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आपको नॉट लगाना है, वो सेंटेंस बन जाएगा नेगेटिव, क्या चंद्र के पास मोबाइल लैपटॉप था तो क्या आपको सिर्फ हेड है ये वाला इसी को सिर्फ बाहर निकाल कर आप इंटरगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। सनम के पास कुछ तो कुछ जेब में था, इस अगर हम बात करें जेब में था सिंपल, ये क्या कर रहा है, ये शो कर रहा है टू बीज, ये कुछ तो पास, इसमें ये ऐसी किस्म के सेंटेंस अगर आपको कोई पूछे जाते हैं, अब अगर आपको कहीं भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखे जाते हैं, सनम के पास सनम के साथ ये क्या है पास्ट पजेसिव है था, जेब में ये शो करा है कि मतलब समथिंग था, उसकी पोजीशन शो कर रही है कि सनम हैड समथिंग
सनम के पास कुछ तो था, किसमें? इन पॉकेट, उसके जेब में पैसे थे या मोबाइल थे, या मोबाइल भी नहीं थे, पैसे भी नहीं थे, चिप्स भी नहीं था, टॉफीज नहीं थी, कोई चीज़ नहीं थी, था तो क्या? ये भी पास्ट पजल टेंस है। सनम के पास कुछ कुछ तो जेब में था, सनम हैड समथिंग इन पॉकेट, अगर नहीं था तो ये सिर्फ आखिरी वर्ब के बाद आपको क्या लगाना है? नॉट लगाना है। सनम हैड नो समथिंग इन पॉकेट। मजाक करने वाले लोगों के एक साथ कुछ तो था, मजाक करने वाले लोग होते हैं क्या है? वो एक जोकर होते हैं, वो जोक करते रहते हैं, उसके पास एक अच्छी नॉलेज होती है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, मेरे पास कल नॉलेज कम थी, आज मैं बात करूँ थोड़ा सा मेरे पास है, लेकिन क्या है, मैं ऑनरशिप था उस किसी भी लिटिल बिट स्किल्स के, मैं ऑनरशिप था। हाँ, मजाक करने वाले होते हैं, उसके पास की लिटिल बिट स्किल्स होते हैं, वो स्किल्स के बारे में बात की जा रही है कि मतलब उसके जो स्किल्स हैं वो उसके पास मौजूद थे। तो जोकर को कहते हैं, मजाक करने वाले को कहते हैं जोकर्स, जोकर्स हैड समथिंग, उसके पास कुछ तो था, समथिंग सिंपल। ये क्या है? बयानी सेंटेंस बन जाएगा। नेगेटिव बनाने के सिंपल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आपको नॉट लगाना है बच्चों, ये सेंटेंस बन जाएगा नेगेटिव। मेरे पास कल ज़्यादा मेहमान घर पे थे। मेरे पास, सपोज मैं बात करूँ किसी फ्रेंड से जाकर मैं वहाँ मिला, उसमें बोला कि भाई मेरे पास बहुत ज़्यादा मेहमान थे। हम इसी सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं? तो ये सेंटेंस ट्रांसलेट करने के लिए सिंपल वेरी इसी तरीके से, ये भी क्या है? मेहमान थे, मैं था, मेरे पास मेहमान थे, मेरे पास पैसे थे, मेरे पास सब कुछ था, मेरे पास बेंगलोर था, मेरे पास फ्रेंड थे। ये क्या है? पास्ट पॉजिटिव टेंस है। तो मेरे पास मेहमान थे, मेरे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आए। क्या थे? कब थे? कब? पास्ट। आई हैड अ लॉट ऑफ गेस्ट्स एट होम। मेरे पहले आपको क्या है? आए सब्जेक्ट लगाया, ऑक्सिलरी वर्ब लगाया। मेरे पास थे क्या? अ लॉट ऑफ गेस्ट्स, बहुत ज़्यादा मेहमान। कहाँ पे थे? एट होम। अगर घर पे थे तो होम लगाओ, अगर कोई भी जगह दूसरी है, रेस्टोरेंट है, होटल है, या कोई भी पब्लिक प्लेसेस है, तो वहाँ जगह यहाँ से पुट कर सकते हैं। कब? अगर टाइम दिया है अगर सेंटेंस, तो आप यस्टरडे या डे आफ्टर यस्टरडे भी कर सकते हैं, या लास्ट ईयर कह सकते हैं, या कोई भी ईयर, कोई भी टाइम, कोई भी डेट मेंशन कर सकते हैं। इसी सेम सेंटेंस को सपोज हम चेंज करना चाहते हैं, तो सनम हैड अ लॉट ऑफ गेस्ट्स एट हिज पार्टी, सॉरी एट हर पार्टी। सनम हैड अ लॉट ऑफ गेस्ट्स एट हर मैरिज सेरेमनी। सनम एक लड़की का नाम है, उसकी एक शादी थी कब? पास्ट में थी, जो शादी में मेहमान बहुत ज़्यादा थे। मतलब सनम के पास जो मेहमान थे वो क्या? एक बहुत ज़्यादा तादाद में थे। तो हम इसी सेंटेंस को सनम हैड अ लॉट ऑफ गेस्ट्स एट हर मैरिज सेरेमनी। अगर मेरे पास मेहमान बहुत ज़्यादा नहीं थे, आई हैड नो लॉट ऑफ गेस्ट्स एट माई मैरिज सेरेमनी, एट माई वेडिंग सेरेमनी, मेरी शादी की शादी की जो तकरीबात होती हैं उसमें, जो सपोज हम बात करें जो हमारे साथ तकरीबा मेहमान होते हैं ज़्यादा हैं, तो अलॉट ऑफ, अगर कम है तो क्या? आप नॉट के नॉट लगा दो। सो दिस वॉज लिटिल एफर्ट्स अबाउट पास्ट पजेसिव टेंस। आई होप दिस विल बी मोर हेल्पफुल फॉर यू, एंड यू मेक लॉट, यू मेक फ्यू मोर सेंटेंस रिगार्डिंग रिलेटेड टू दिस टेंस। यू ट्राई टू प्रैक्टिस इट, डेफिनेटली आई होप दिस विल एफर्ट विल हेल्प यू टू crack your English, and it will help you to know the English language. So English language is international language. We need to learn from our mother tongue to in other language. जैसे कि हमें चाहिए कि English language learn करें, कैसे? ट्रिक के साथ साथ, अगर after watching this videos, if you have any problem, you without any hesitation, you may ask, you may put in the comment section on my YouTube channel. I will try to upload a video on that topic. So we will meet you next time. So thank you so much. Bye bye and take care.